जोशी को ही आए हैं, इनको मेड करता हूँ। हाँ जी अजय जोशी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो जी, कैसे हैं आप? हाँ बड़े जी अरसे के बढ़िया बाद हूँ। मैं आपसे कनेक्ट कर पाया हूँ। एंड ओके काफी मतलब मैंने काफी कोशिश भी की थी पास्ट में, बट आज काफी सही लग रहा है मुझे। बिकॉज मैं पॉइंट लेने से पहले एक दो हटके सवाल भी है। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि मेरी लाइफ में तीन मतलब कि अवेकनिंग्स रही थी। तो बेसिकली मैं वैसे तो ब्राह्मण फैमिली से ही आता हूँ, और मतलब मेरी फैमिली ब्राह्मण जरूर है, लेकिन वो ब्राह्मण वैसे नहीं है देखा जाए तो टेक्निकली। एंड मैं तो हूँ, मैं तो रियल ब्राह्मण हूँ। शायद ज्यादातर ब्राह्मण ब्राह्मण फैमिलियों से नहीं आते हैं जो रियल होते हैं, और लेकिन मैं शायद ऐसा हूँ जो आ रहा हूँ मतलब ब्राह्मण फैमिली से भी। और मैं आपका जनेऊ हुआ है, आप ये कहना चाहते हैं। वो सब तो हुआ ही है, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बेसिकली वो ट्रेडिशनल वाली बात नहीं है। तो क्योंकि ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म को जानने वाला, तो लोग समझते हैं वो जान रहे हैं, लेकिन जानता तो मतलब मैं ज्यादा अच्छे से हूँ, क्योंकि ब्रह्म जो है वो एग्जिस्ट करता नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट बेसिकली। तो इसीलिए मेरे को पता मतलब है कि जो ब्रह्म क्या है। जो कुछ भी नहीं जानता, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ये जो जानता है कि कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, वही ब्राह्मण है, आप ये कहना चाहते हैं। नहीं, ब्रह्म ब्रह्म एग्जिस्ट नहीं करता है, मैं ये जानता हूँ, इसीलिए तो ब्रह्म मैं ब्रह्म को एग्जिस्ट नहीं जानने वाला। करता, और जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, तो ब्रह्म तो एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो जान गया है जो सच है कि कुछ भी नहीं है, सब बेवकूफी का खेला है, वही असली ब्राह्मण है, यही कहना चाह रहे हैं ना। राइट, टेक्निकली उनकी डेफिनेशन से जाए तो टेक्निकली टेक्निकली यही बात ही हुआ। चले बोले। हाँ, राइट राइट राइट। तो मैं ये कह रहा था, तीन अवेकनिंग्स ये रही थी कि पहले तो स्पिरिचुअल थी, जो कि कुंडलिनी शक्ति जागरण वगैरह से थी, मेडिटेशन वगैरह से थी। तो उसके मतलब कि ऐसे फायदे होते हैं, आप मतलब उसका एक इन्फ्लुएंस भी आपके ऊपर होता है। कुछ कुछ चीजें प्रैक्टिकल हैं, बहुत सी चीजें अंधविश्वास है, बट उसके नहीं, बाद फिजिकल था मतलब वो। किस चीज का इम्पैक्ट होता है कुंडली में, आप क्या बता रहे हैं कि कुंडली में किस चीज का इम्पैक्ट होता है? हाँ, कुंडलिनी में मैं ये बता रहा हूँ, जो मतलब ट्रेडिशनली जो कुंडलिनी योग एक है, और उसके बाद कई गुरुज आए हैं, मॉडर्न गुरुज हैं बाद में, और भी पहले कई लोग ऐसा रहे हैं जिनका कि ये एक्सपीरियंस सिमिलर एक्सपीरियंस है जो योग का एक्सपीरियंस होता है, राइट। तो वो ज्यादातर कुंडलिनी शक्ति है, चक्र नाड़ी वगैरह जो है ये ज्यादातर अंधविश्वास है, और ये पैरासिम्पेथेटिक सिंपेथेटिक या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अराउंड ही ये थ्योरीज या थियोक्रेसी बिल्ड की गई है। तो वो तो खैर उसमें जाना बेकार है। कुंडली बनाना आप लोगों ने सीखा कहाँ से था? कुंडली नहीं, कुंडली नहीं, कुंडलिनी शक्ति हाँ, यही ये। कुंडली शक्ति आप लोगों ने हाँ, सीखा कहाँ से था? क्या मुगलों से सीखा था या ग्रीक से सीखा था? अब जरूरी नहीं है ब्राह्मणों को कुंडली शक्ति का ज्ञान ही हो, या वो इसको जागृत कर रहे हो उस तरीके से जैसा बताते हैं, और वो भी साइंटिफिक नहीं है बेसिकली, कुंडली वगैरह लेकिन तो मुगल ही करते थे। अकबर जो है उसी का कुंडली, उसकी जो किताब है अबू फैजल की, वो तो 8 चैप्टर में केवल उसका कुंडली ही कुंडली लिखा है, पूरा 8 चैप्टर लंबा चौड़ा भर दिया है, कुंडला कुंडली ही भर दिया है अच्छा। उसका। तो ये तो मुगल करते थे, उससे पहले तो हमने नहीं देखा कि भारत में कोई राजा अपना हाँ, कुंडला कुंडली निकलवाता हो। कहिएगा तो मैं दिखा दूंगा नहीं आपको। कुंडली नहीं, कुंडली कुंडली नहीं, कुंडलिनी शक्ति एक अलग चीज हो गई जो क्या है नाड़ियों और बताइए ना, चक्रों से क्लियर होते क्लियर हुए। खोल के, क्लियर खोल के बताइए हाँ, क्या चीज मैं है। बताता हूँ, जो इसकी इसकी ये 13वीं सदी में संत ज्ञानेश्वर ने इसे सबसे पहले दिया था। और ये जो एनलाइटनमेंट बताई जाती है ना, निर्वाण, स्टेट ऑफ निर्वाण बताया जाता है, माँ बुद्ध महावीर ने किया है। रामकृष्ण का तो हम कह नहीं सकते हैं, बिकॉज उनका ज्यादा एग्जिस्टेंस पे सवालिया निशान ही है, लेकिन बुद्ध का जैसे हमें पता है, हमें महावीर का पता है। तो उसमें जब हम वो ये देखते हैं, ये कुंडलिनी शक्ति है, अगर आप कुंडलिनी अवेकनिंग या कुंडलिनी शक्ति के नाम से, कुंडलिनी योग के नाम से सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अकबर जो था ना, ये अकबर का जन्म एवं जी कुंडली, पहला से लेके 8वां चैप्टर तक उसकी जन्म और जन्म कुंडली ही लिखी हुई है। तो मेरा वही बोलना था कि ये जो कुंडलिनी शक्ति और जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, ये मुगलों से सीखा है क्या लोगों ने? क्योंकि मुगलों ने ही हिंदू नहीं कहा नहीं था, नहीं सबको नहीं हिंदू ये कह रहे हैं। मुगल ने वो ऐलान किया कि हाँ देखो हफ्ते में 2 दिन नॉनवेज मत खाना, तो 2 दिन नॉनवेज नहीं खाते हैं। उसने कहा कि हाँ अब ये हो फसली सकता है। संबत हाँ पितरों का पिंड देना, तो देखिए आज आपके सारे ब्राह्मण जो है पितरों का पिंड अकबर के चलाए हुए फसली संबत से देते हैं। हर चीज तो यहीं से जुड़ा है। अकबर ने ये ऐलान किया कि देखो काला मृग मत मारना, तो आपने भी लिख दिया कि भाई देखो मृग जो है, जहाँ काला मृग चरता है वहीं तक हमारा आर्यावर्त है। सब चीज तो आपका मुगल काल में हुआ है, तो ये कुंडलिनी शक्ति क्या है वो जरा खुल के बताइए।
हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें ये बिल्कुल अलग चीज है इससे। ये एक शक्ति बताई जाती है जो आपके बैकबोन के बेस पे है, 3.5 कुंडल में। सरपेंटाइन पावर भी इसे कहते हैं कि सर्प, मतलब वो सर्प क्या टाइप की उससे शक्ति फायदा है। क्या तो होता है? ये इसमें ध्यान करने से क्या होता है कि जागृत होती है। इसके ऊपर 7 चक्र हैं जो कि अलग अलग लेवल पे हैं, और फाइनल चक्र आपका 7वां चक्र जो है वो आपके ब्रेन में है बेसिकली। मतलब इसको सूडो साइंटिफिक वे में जब वो बताते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें तो प्रिमिटिव वैसी है, मतलब ये थियोक्रेटिक टाइप की है, मतलब ये अंधविश्वास टाइप की है बेसिकली। तो इसमें वो सूडो साइंटिफिक उसे एक जब रूप दिया जाता है, तो ये कहा जाता है कि ये नर्व सेंटर्स हैं, और क्योंकि हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है वो आइडेंटिफाइड नहीं है और वो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो फिर जो वो गैप आ जाता है नॉलेज का, उसको वो मतलब कि उसको एक्सप्लॉइट करके ये अच्छा, बोल ये दिया जो जाता है, लेकिन आपके वो भी आपके जो प्रूवन नहीं ब्राह्मण है। लोग हैं, ब्राह्मण विद्वान लोग हैं, ये सब बात जानते हैं? नहीं, ये आप नहीं जानते? अच्छा, जो शंकराचार्य वगैरह हैं वो लोग ये बात जानते हैं? इसके मतलब, हाँ जी जो सॉरी, शंकराचार्य वगैरह हैं वो लोग इस बात को जानते हाँ हैं? शंकराचार्य में ये चीज नहीं देखी जाती है, शंकराचार्य में नहीं देखी जाती है, जबकि नहीं देखी जा रही है बेसिकली। शंकराचार्य किताबी वो हैं, वो किताबी और वो नॉलेज वाले, वो ज्ञान वाले लोग हैं, ज्ञान योग वाले हैं। कुंडलिनी योग ध्यान की मतलब कि वो स्थिति है जो निर्वाण स्थिति होती है, वो फाइनल अचीव होती है। तो ये कुंडलिनी शक्ति जब 7वें चक्र को भेदते हुए निकलती है, तो योग ऐसा कहा जाता है, योग कौन गठित से हो गया। धर्म में पाई जाती है? कौन से धर्म में पाई जाती है? ये हमारे, ये किसी एक धर्म का तो नहीं है, हिंदू धर्म वाले इसको क्लेम करते हैं, बट ये बौद्धों ने मेरे को लगता है डेवलप करी होगी। एंड जो और भी इससे पहले बताइए। अगर आप देख सकते हैं कि जैसे सुमेरिया के आपकी सात ऋषि कुंडली, बताए जाते हैं, आपकी यहाँ सात कुंडली ऋषि जागृत बताए हुई जाते है अजय जोशी? आपकी कुंडली जागृत हुई है? हैं। हाँ, हुई अच्छा, है, जागृत। हाँ तो हुई आपने है उसका बट क्या हाँ बेनिफिट क्या लिया है जागृत करके? हाँ तो उसमें क्या है कि जो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि लोग क्या मतलब इसको कैसे प्रमोट किया जाता है और किस तरीके से बताया जाता है। आपने शक्तिमान जो देखा है, शक्तिमान में जो आप देखते हैं वो 7 चक्रों से उबल के वो शक्तिमान बन जा रहा है। जब कुंडली शक्ति जागृत होती है वो शक्तिमान बन रहा है, सुपर नेचुरल सुपरमैन टाइप का बन जा रहा है। वो तो फिक्शन है ना, आप सही में बताइए, हाँ आपका फिक्शन जागृत है, हुआ है तो उसका बेनिफिट क्या हुआ वो बताइए। राइट, वो हाँ राइट, वो फिक्शन है। वो तो वैसा ही कुछ लोग समझते हैं कि भाई मेरे मतलब उस मेडिटेटिव अवस्था में वो उड़ने, मतलब थोड़ा सा हल्कापन होके वो हवा में उड़ जाएंगे, उस तरह की जो बातें हैं वो इसी से रिलेट करके बताई जाती हैं, राइट। लेकिन जैसे प्रैक्टिकल जो इसका जो मन इम्प्लीकेशन में है वो ये ऐसी है। हाँ कल्पना देखें, जो मन में ऐसी कल्पना करेगा कुंडला कुंडली, वो तो ऐसे ही हवा में उड़ेगा, आंख बंद करेगा, सोचेगा कि हम तो उड़ रहे हैं पुष्पक विमान में बैठ के, जो गधा से जुता हुआ पुष्पक विमान है उस पर उड़ रहे हैं। अरे वो मुंह उसका नहीं खोलना है, एक्चुअली मुंह बंद करना है, आंख बंद करना है, ख्याली पुलाव पकाना है, उड़ते ही उड़ते रहेगा वो, ख्याली पुलाव में ही तो हाँ नहीं, उड़ना वो है ना। बताइए, साइकोलॉजिकल भारत एक्चुअली इफेक्ट्स। भारत कितने साल तक गुलाम रहा था आप बता सकते हैं? कितने 100 साल तक भारत गुलाम रहा था? अब डिपेंड करता है गुलामी की, अंग्रेजों का आप साफ साफ कह सकते हैं, मुगलों का भी आप थोड़ा आप कह सकते हैं, जबकि मतलब कि वो हाँ, फिफ्टी मुगलों फिफ्टी है मेरे हिसाब से। उससे नहीं, पहले भी कैसे फिफ्टी, मतलब आपके मुगलों की कैसे आप 50-50 कैसे कह रहे हैं? मुगल काल में तो आपने मुगल को ही ब्राह्मण भाई बना लिया था, मुगल को अपना तो ब्राह्मण बना लिया था ना हाँ उसको, और आपने अल्लाह हो उपनिषद लिख दिया था। सकता है तो आप उसको अभी 50-50 क्या, पूरे भारत में मुगल का ही था, मुगल के जितने राजा थे, जितने मनसबदार थे, वो तो सारे भारत का जितने राजा थे सब लाइन लेके खड़ा रहते थे उसके हुजूर, आज्ञा दीजिए ना किधर तशरीफ लेके जानी है, उधर लेके पहुंच जाते थे। हाँ 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 तो तो मुगलों ने थोड़ा सा मतलब कि मैं यही पूछ इतना रहा हूँ रेडिकल इस्लाम कि फॉलो नहीं किया इस दौरान में जब भारत मुगलों का गुलाम रहा, अलाउद्दीन खिलजी से लेके जितने तुर्क वुर्क जितने आए थे सब अंग्रेज तक, उस समय नहीं, किसकी किसकी कुंडली जागृत हुई थी? उनमें उनमें ये सब नहीं देखा जाता है। आप बेसिकली अच्छा, वो मतलब गलत डायरेक्शन में निकल आजादी गए के बाद हैं। से जब पेट भर गए तब कुंडली याद आ गई, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप गलत ट्रैक पे चले गए। वो आपकी बातें सही हैं, मेरे को गलत समझ आ रहा है आप जो कहना चाह रहे हैं, देखें, जब पेट लेकिन भरा होता है ना जो तो क्या, मैं जानते हैं अभी आंख बंद कीजिएगा ना, पेट भरा हुआ है, आंख बंद कीजिएगा ना तो सपने में जो चाहे वो देखिएगा, समझ रहे ना? नहीं, इसरो का ये अपना रियल चेयरमैन जो एक्सपीरियंस है, है। अरे रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपका, इसरो का चेयरमैन जो है वो पता है क्या कहता है? कहता है कि वेद से ही सारा विज्ञान आया है, और अंग्रेज जो है वेद से ही लेके गए हैं, बहुत पढ़ा लिखा है, इसरो का चेयरमैन है, सोच लीजिए। हाँ आप तो जो बताइए इस कि तरह की जो बातें फैलाई जाती होगी हैं ना, और इसका जो हाँ बोलिए, जो उसका जो क्या इस कुंडली पे जागृत हो गया है?
नहीं वो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है बेसिकली, अरे ये आपकी एक अलग कुंडली चीज है, वो जागृत एक अलग हुई चीज है, है। आप अपना एग्जाम्पल दीजिए अजय जोशी कि आपका कुंडली जागृत हुआ मिलेगा है तो आपने कितने गोल्ड मेडल जीत लिए हैं, आपने कितने ऑस्कर भारत के लिए लेकर आए हैं, क्या क्या आपने उपलब्धियां गिनाई है आपका कुंडली जागृत हुआ है, तो वो जरा आप बताइए हम, ताकि हमको पता तो चले कि होता क्या है कुंडली जागृत होने से। जी होता ये है कि दो चीजें होती हैं, एक तो ये है कि हेल्थ बेनिफिट्स हैं वेलनेस के हिसाब से, आपका थोड़ा ब्लड प्रेशर लोअर हुआ, मेडिटेशन के जो बेसिकली बेनिफिट्स हैं वो होते हैं, एंड सेकेंडली थॉटलेसनेस आपको आती है, आपके थॉट स्लो डाउन हो जाते हैं, तो उस वो एक जो स्टेट है बहुत आगे जाके वो स्टेट निर्वाण जैसी, एनलाइटनमेंट जैसी हो जाती है, ऐसा अच्छा, मतलब ये इसका लोग फायदा बोलते क्या भी हैं होता है, और मैं फायदा क्या मानता होता भी है, हूँ। 700 800 फायदा साल ये से होता है। गुलाम हो गया, फायदा क्या हुआ हाँ इसका, हाँ अब ये जब तो, ये चीजें इतने तो अनकनेक्टेड है, इससे सरकारी इसका इससे कोई बच्चे, रिलेशन रिलेशन नहीं है। हाँ जी है ना, इतने सालों तक देश कैसे। गुलाम रहा सारा कुंडला कुंडली जागृत करके, तो फिर इसका फायदा क्या हुआ। चले एक बात बताइए कि अभी EWS कोटा लाया गया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का कोटा आया है, ठीक है, मेरे कितना कोटा आया मुझे पता नहीं है, बहुत सही है, और अच्छा, आपको नहीं पता है, होना ही चाहिए था, होना ही चाहिए था आप इसमें नहीं बेसिकली। आते हैं, आप EWS में नहीं आते हैं। नहीं कभी मतलब आते रहे होंगे, जिस टाइम पे आते होंगे तब तक शायद अच्छा, मतलब ये कोटा अभी नहीं अभी था, आपके और फिर पेट उसके भरे बाद। हुए हैं, अभी आपकी जो सैलरी है कम से कम 67,000 पर मंथ से तो ज्यादा ही है, तभी तो उसके अंदर नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जिसके पेट भरे हैं हाँ ना, हाँ उसको बिल्कुल सारा कुंडली भी याद आएगा, वेद भी याद आएगा, उपनिषद भी याद आएगा, सब चीज याद आएगा, बस पेट भरा होना चाहिए। चले, भारत में जो SC ST OBC को जो रिजर्वेशन देने की जो बात है, उस पर आपका क्या नजरिया है। SC ST आपके एग्जैक्टली मैं वैसे ये समझता नहीं हूँ, बट जितनी मेरी समझ है शायद ट्राइबल्स हैं, और ये वो पिछड़े वर्ग हैं, वो उसके जो रिमोट एरिया से बेसिकली आते हैं, राइट। रिजर्वेशन पे अगर आप पूरी बात करेंगे तो मेरा ये मानना है कि मुझे ये लगता है कि रिजर्वेशंस जो हैं वो जिस तरीके से डिफाइंड की गई थी बेसिकली मेरिट बेस्ड रिजर्वेशंस थी, और जब कट ऑफ लोअर हो जाती है किसी किसी भी एक सेक्शन के लिए जिसको रिजर्वेशन मतलब जिसको कोटा मिला है, तो वो बेसिकली वो कंपीट उस लेवल पे फिर नहीं कर रहे हैं, उसके उनके लिए एक एक्सेप्शन हो जाता है, राइट। तो मेरिट यहाँ पे लूज होता है, अगर मेरिट लूज होता है तो उस केस में क्या है कि वो कभी भी उनको बराबरी करने में फिर बहुत टाइम लगेगा, और यहाँ पे पर्पस रिजर्वेशन का ये है कि बेसिकली उनको बराबर लाया जाए, अजय जोशी, सब जो ऐसा लोग ना किया परफॉर्मर्स जाए, हैं, अजय राइट। अजय जोशी, ऐसा ना किया जाए कि जितने भी जो सो कॉल्ड अपने को जनरल कहते हैं, उनको पूरा का पूरा सरकारी नौकरी से हटा दिया जाए, और जितने भी भारत के SC ST OBC हैं, वो सारी वैकेंसी जो हैं, जो गवर्नमेंट की आती है, सब 100% अगले 1,000 साल के लिए दे दिया जाए, ताकि जल्दी से बराबरी पे आ जाए सारे SC ST OBC। हजार साल जल्दी कैसे हो सकता है, और ये अच्छा, एक बात बताइए, पिछले 1,000 साल से पढ़ने का अधिकार किसके पास था, पढ़ाई कौन करता था पिछले 1,000 साल से, बताइए। जो चाहता था वो कर सकता था, और अच्छा, लेकिन कर मेरे को सकता मालूम है था। आप ये कहना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते थे, मेरे को मालूम है आप ये अच्छा, कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों ने एक वर्ग को नहीं करने दिया, तो ज्यादातर तो मैंने जो देखा कि ये पॉलिटिकल वैसे देखा गया है कि जहां पे पॉलिटिकली आपको एक वर्ग को अगर वंचित रखना था तो उनको रखा गया, और ब्राह्मणों के थ्रू ही रखा गया है, वो ही इसमें सबसे ज्यादा आगे रहे, एक्टिव रहे, उन्होंने वो डिवाइस करे कि मतलब कि क्या क्या हम किस तरह के ग्रंथों का इस्तेमाल करके या धर्म का इस्तेमाल करके कैसे वंचित रख सकते हैं, तो उनको नहीं, एज ए और टूल यूज किया ब्राह्मणों के गया है। अलावा और था तो ही कौन, ब्राह्मणों के अलावा और कौन था ही जो इसको इम्प्लीमेंट करता भाई, धर्म ग्रंथ पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के कौन लेकर आया है। धर्म देखिए, धर्म ग्रंथ में जैसे ही ये शुरू होता है, अगर आप एक वर्ग को अगर वंचित करेंगे तो समाज विद्रोह करता है, आपको समाज में विद्रोह दिखेगा, और साफ दिखता है, आप देखते हैं गुरु विद्रोह, नानक आते अच्छा हैं विद्रोह कैसे उससे होगा, पहले। अच्छा एक बात बताइए, विद्रोह कैसे हाँ होगा, विद्रोह तब होगा ना जब उसके पास हथियार हो, उसको अधिकार हो कि विद्रोह कर सकता है, विद्रोह का अधिकार नहीं, ही ना बौद्धिक हो। विद्रोह भी होता है, बौद्धिक अच्छा, विद्रोह भी बौद्धिक होता विद्रोह। है, अच्छा एक बात और बताइए, आज विद्रोह भी जितने भी, होता। हाँ एक मिनट एक मिनट, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी जगह हैं, जब भी उनका इनोग्रेशन करना होता है तो ब्राह्मण को बुलाते हैं ना, ब्राह्मण को तो बुलाते हैं,
यज्ञ वगैरह कराने हाँ, के अगर लिए अगर यज्ञ वो कराने उस हाँ करते उस हैं ना तरह की अगर हवन वगैरह कराते हैं तो बुलाते हैं राइट। भारत में सारे के सारे लोग जो हैं, इवन उनके यहाँ जो चापाकल भी लगता है तो भी ब्राह्मण को बुलाते हैं। तो एक बात बताइए, ये तो आपने अपने धर्म ग्रंथ में लिख रखा है, ये 12 नंबर श्लोक पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? या 13 नंबर पढ़ दीजिए, नीचे वाला ही पढ़िए, 13 नंबर श्लोक पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाऊंगा। और त्रिन त्रीन वादुवा कामन चलिए शूद्रस्य मैं पढ़ देता हूँ। वैश्यवराह लहि शूद्रस्य यज्ञेषु कदिश। देखो यज्ञ करने का हक नहीं है, कुछ ऐसा लिखा है शायद शूद्रों को नहीं राइट। नहीं नहीं वो नहीं लिखा है, दरअसल वही बात नहीं लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, आप कह रहे थे ना कि सब लोग पढ़ सकता है, देखें यहाँ लिखा है, यज्ञ 2 या 3 अंगों से धनाभाव के कारण पूरा नहीं हो रहा हो, ठीक है, 2-3 अंगों से पूरा नहीं हो पा रहा हो, तो उसकी पूर्णता के लिए वैश्य के यहाँ से धन नहीं मिलने पर, आप वैश्य के यहाँ जाइए कहिए कि भाई धन दे दे, वो नहीं देता है अगर, तो बलात्कार या चोरी से धनवान शूद्र के यहाँ से धन लावे। अब आपको जब वैश्य के यहाँ से नहीं मिले तो आपको क्या करना है, खोजना है कि कौन धनवान शूद्र है, शूद्र जो है किसके पास पैसा है उसके पास जाना है, और क्या करना है बलात्कार या चोरी से, उससे मांगना नहीं है शूद्र से, बल्कि सीधे लिखा है कि उसका बलात्कार करना है, बलात्कार या चोरी से धनवान शूद्र के यहाँ से धन लावे, क्योंकि शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं होता है। तो ये बताइए कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के आपके ब्राह्मण लोग लाए हैं, कह रहे हैं कि अगर वैश्य के यहाँ से नहीं मिल रहा है तो शूद्र के यहाँ तो यज्ञ से उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो उसके यहाँ बलात्कार या चोरी से, अब बताइए कि ये कैसे सही है? आप उस समय से बोल रहे थे ना कि आप बिल्कुल पक्का वाला ब्राह्मण हैं, आपके सारे ब्राह्मण लोग यज्ञ हवन कराते हैं और नियम ये लिख रखे हैं, तो इसका क्या मतलब है जरा ये बताइए। और आपके ब्राह्मण को किसी को आपत्ति नहीं है, आज भी मनुस्मृति जपते रहते हैं, हिंदू राष्ट्र मनुस्मृति लागू करेंगे, मनु महाराज हमारे आज भी गाते रहते हैं। अब जरा इसको जरा हमें समझाइए कि क्या मतलब है बलात्कार या चोरी से धनवान शूद्र के यहाँ लाने से, या शूद्र का यज्ञ से कोई मतलब ही नहीं है, ये जरा हमें बता दीजिए। इसका ये एग्जैक्टली लिखा कब गया है और किस उसमें। बहुत ही अग्रेसिव स्टांस है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि शूद्र जो जिसको भी ये कह रहे हैं वो एक तरह से जाने माने मतलब कि उनको एक थप्पा लगा दिया गया है कि वो एंटी सोशल टाइप के हैं। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है वो हमें समझ नहीं आ रहा है इसमें, और अच्छा पता आपको नहीं चलेगा आ रहा भी है, शायद मैं समझा क्योंकि देता हूँ। ये ऐसे अच्छा स्क्रिप्चर्स मैं ऐसे समझ लिखे देता हूँ, जाएंगे। 14 नंबर पढ़िए, अभी समझ में आ जाएगा, 14 नंबर। आप ही बता देंगे तो अच्छा रहेगा, मैं तो उतना ज्यादा ट्रांसलेट कर नहीं पाता हूँ। हिंदी वाला मैं पढ़ लेता हूँ। सर्वथा आप दान पढ़ लीजिए। श्रादि का धन लेने वाला नहीं, उसके अथा ऊपर, उसके ऊपर अच्छा 14 नंबर। सॉरी 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 वो 15 है। हाँ वो भी कंफ्यूजन है उसमें। जो ब्राह्मण या क्षत्रिय सौ यज्ञ करने योग्य धन होने पर भी अग्निहोत्र नहीं करता हो तथा 1,000 गौ या उतना धन होने पर भी सोम यज्ञ नहीं करता हो, ऐसे ब्राह्मण या क्षत्रिय के परिवार से यज्ञ 2 या 3 श्रेय, ये वर्ड समझ नहीं आ अंगों रहा से है, पूर्ण नहीं होता है अंगों से। अच्छा 2 या 3 अंगों से पूर्ण नहीं होता नहीं। है तो यज्ञ करता ब्राह्मण बलात्कार चोरी से धन लावे। अब बताइए अच्छा यहाँ पे इसने एक इसका भी शब्द कवि लिखा, वही सिमिलर चीज है ना। हाँ यज्ञकर्ता ब्राह्मण जो है ये क्या करे, ऊपर लिखा है कि शूद्र के यहाँ से बलात्कार या चोरी से धन लावे, और लिख दिया कि शूद्र का यज्ञ से संबंध नहीं होता, यहाँ तो इसने लिख दिया कि क्षत्रिय के यहाँ भी बलात्कार या चोरी से करके धन लावे, ये भी लिख दिया। तो यहाँ तो एक कॉन्टेक्स्ट तो साफ है ना कि यज्ञ तो करना ही करना है, अगर शूद्र नहीं मिला तो क्षत्रिय के यहाँ भी बलात्कार या चोरी से करके। अब बताइए इसने एक साफ साफ शब्द लिख रहा है बलात्कार या चोरी से, अब बताइए कि ब्राह्मण जो है वो अपने यज्ञ करने के लिए चोरी का कर्म क्यों करेगा, किसी के यहाँ से भी बलात्कार करेगा चोरी करेगा लेकिन यज्ञ करेगा? भाई आपका धर्म जो है, आपके ब्राह्मण पूर्वज जो हैं जब इन किताबों को लिख रहे थे, एक श्लोक नहीं है ये, दूसरा श्लोक, उसके ऊपर भी श्लोक है, कई सारे श्लोक है जिसमें आप ये बात लिखते हैं, ये बताइए कि आपके पूर्वज जो थे ब्राह्मण थे, इतनी तो नैतिकता होगी ना कि चोरी करना एक अपराध होता है, बुद्धा के पंचशील में ये तो नियम है ना कि चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका ब्राह्मण मनुस्मृति लिखता है, मनुस्मृति में पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाता है और चोरी की सलाह दे रहा है, ब्राह्मण को चोर बना रहा है इस किताब के आधार पर। अब बताइए कि ब्राह्मण जो है, जो मनुवादी ब्राह्मण है, वो तो बाय डिफॉल्ट चोर हो गया ना, उसके अंदर तो चोरी घुसा दिया,
बुद्धिस्ट लोग कह रहे हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, पंचशील ब्राह्मण कर रहा है अपने धर्म में कि चोरी करके यज्ञ करो। तो कोई अगर कह देगा कि हर मनुवादी चोर है तो गलत नहीं कहेगा फिर। अच्छा ये बताइए कि ऐसा कंफर्म नहीं है ना कि ये सब पे अप्लाई होता है या नहीं। नहीं अप्लाई होता नहीं, लिख दिया ना यहाँ पे, यहाँ पे कंडीशन दे दिया ना। पहले ऊपर क्या लिखा कि यज्ञ दो या तीन अंगों से धनाभाव के कारण पूरा नहीं हो रहा है, मतलब दो तीन बार से आपके पास धनाभाव है, किसी ब्राह्मण के पास धन का अभाव हो गया है, यज्ञ करना है उसको धन नहीं है, कंडीशन है ये। तो वो क्या करा, वैश्य के यहाँ मांगने गया, वैश्य नहीं दिया, आगे क्या कह दिया, अगर वैश्य नहीं दिया तो बलात्कार या चोरी से धनवान शूद्र, जो भी धनवान शूद्र है उसके यहाँ जाओ, उसका बलात्कार करो, नहीं तो फिर उसका धन जो है छीन के चोरी करके लेके आ जाओ, क्योंकि शूद्र का ये उसे संबंध नहीं है। कंडीशन ये है, देखें आपको लग रहा है पच नहीं रहा है, देखें यहाँ पे शूद्र जो है सीधे सीधे बोल दिया कि शूद्र का यज्ञ से संबंध नहीं है। बताइए एक ब्राह्मण जो है वो अपने धार्मिक किताब में ऐसी बातें क्यों लिख रहा है कि बलात्कार करके धन ले आओ, चोरी करके धन ले आओ। अच्छा एक श्लोक नहीं है, 13 नंबर है, 14 नंबर दिखाया, और उसके ऊपर का भी श्लोक दिखाता हूं जहां पे यही सेम बात लिखा है। ये देखिए 11 और 12 में भी यही लिखा है, यज्ञ करते हुए क्षत्रिय का विशेषकर ब्राह्मण यज्ञ यदि एक अंग से धन अभाव के कारण पूरा नहीं हो रहा हो, यानी धन के आपके पास नहीं है, तो राजा के धर्मात्मा रहने पर वह ब्राह्मण या क्षत्रिय यज्ञ करता बहुत पशु वाले पाक यज्ञादि करने वाले तथा सोम यज्ञ से भी हीन जो वैश्य हो। देखें अब वैश्य के यहाँ भी और उसके परिवार के बाकी यज्ञ पूर्ण होने के लिए याचना से नहीं देने पर, मांगने पर नहीं देने पर बलात्कार या चोरी से भी धन लावे। देखिए वैश्य को भी यहाँ लिख दिया, तो आपने सारे वर्णों को ऐसा क्यों लिख दिया कि ब्राह्मणों को अपने चोर क्यों बना दिया भाई? आपके पूर्वज लोग ब्राह्मणों को चोरी क्यों करना सिखा रहे थे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। हर व्यक्ति का जो धर्म होता है मोरालिटी सिखाता है, कोई बाप एक गिरा से गिरा हुआ बाप भी होगा ना, एक चोर का भी बाप होगा ना, वो अपने बेटे को कहेगा बेटा तू मेरी तरह मत बनना, तू तो अच्छा आदमी बन जाना कम से कम, समझ रहे हैं। लेकिन आपका ब्राह्मण जो है अपने ही बच्चों को मनुस्मृति सिखा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी टटा रहा है, उनको चोर बना रहा है, ये मोरालिटी ये मनुस्मृति मनुस्मृति का आपने श्लोक दिखाया था, मैं दिखा देता हूँ, ये दिखा देता हूँ ये कौन से चैप्टर का है, ये 11-12 नंबर आगे दिखा है ना, ये देखिए मैं ऊपर ले जा रहा हूँ आपको, ये चैप्टर है आपका मनुस्मृति, ये देखिए अथ 100 अध्याय 11 नंबर चैप्टर का मैंने आपको दिखाया 11 नंबर श्लोक, 12 13 14 ये सारे श्लोक दिखाए हैं। अब मैं फ्रंट पेज दिखा देता हूं आपको, आप बोल रहे थे ना कुंडली जागृत, बताइए कोई चोरी करके आएगा और कुंडली जागृत की बात करेगा, ये देखिए ये मनुस्मृति हरिदास संस्कृत ग्रंथ माला शविमर्श मणि प्रभा हिंदी टीका संहिता ASI की भी मुहर लगी है, पंडित श्री हर गोविंद शास्त्री इसके हैं, सबसे बेस्ट इनका माना जाता है, चौखंभा से प्रकाशित हुआ है, देख लीजिए हर गोविंद शास्त्री पंडित श्री हर गोविंद। मनुस्मृति है बेसिकली, मनुस्मृति जो है आपकी, अब कहने को जाए तो इरफान हबीब का मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे पुष्यमित्र शुंग ने इसको सबसे पहले लिखा आगे। हाँ जी, ये आपका मनुस्मृति है, ये आपका मनुस्मृति है और आपके ब्राह्मण ने लिखा है और ASI की मुहर लगी है। चले मैं आपको एक दूसरा सैंपल दिखाता हूँ, ये तो आप मनुस्मृति कह रहे हैं तो एक दूसरा आपका दिखाता हूँ श्लोक, वो भी एक बार पढ़ लीजिए ना, आप तो पक्के वाले ब्राह्मण है ना। नहीं ये मैं आपको वैष्णव खंड दिखा रहा हूँ, ब्राह्मण मैं असली ब्राह्मण हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप असली ब्राह्मण है। अब चलिए ये पढ़िए जरा, ये हमें ये कौन से ब्रह्मखंड वैष्णवखंड ये दूसरा है कोई स्क्रिप्चर, वो लिख दिया है मैंने, आप पढ़िए ना उसको। अर्थात यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र का उपदेश करे, उसे कोई शिक्षा दे, तो उससे दूसरे ब्राह्मण चांडाल के समान त्याग दें, उसे ग्राम से बाहर निकाल दें, पढ़े लिखे शूद्र को दूर से ही त्याग दें। एकदम पॉलिटिकल, एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है ये, बेसिकली वैसा है कि जैसे ये राजनीति से प्रेरित मेरे को लगता है, किस टाइम का है और किसने कब लिखा, किस उससे लिखा ये कह नहीं सकते हैं कि आपके ब्राह्मण जो हैं अपनी धार्मिक ग्रंथ में यही सब लिखते थे, आप तो कह रहे थे कि शूद्र को पढ़ने लिखने की इजाजत थी। चले एक और रेफरेंस दिखा देता हूं, मैंने ऐसा नहीं कहा, आपने कहा ना जो चाहे वो पढ़ सकता था। चले एक और श्लोक दिखा, ये मैंने कहा है जो चाहे वो पढ़ सकता था। चले एक और दिखाता हूँ जो आपके शंकर भाष्य है ब्रह्मसूत्र का, या आपके शंकराचार्य शंकर भाष्य है वो मैं दिखा रहा हूँ, ये जरा एक बार आप पढ़ लीजिए।
ये आप सही लाए, मुझे इस पे आपसे बाद में वो भी है, एक क्लैरिफिकेशन भी चाहिए थी। शूद्र अच्छा, को ना पढ़िए। वेद सुनकर शंकर भाष ब्रह्मसूत्र वचस्पति मिश्र वाला है या ये शंकर का ही है, आदिशंकर का जो ब्रह्मसूत्र भाष है? ये शंकराचार्य का ही है, शंकराचार्य का ही ओके, है। शूद्र को न वेद, हाँ ठीक है, शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है और न पढ़ने का, न उसके अर्थ समझने का। हाँ ये मैंने मतलब इस फॉर्म में नहीं, बट ये मेरे को पता है इसमें लिखा हुआ है, ये ब्रह्म सूत्र वगैरह में भी लिखा हुआ है। ये अच्छा, मतलब सब राजनीति से ही प्रेरित है और ये इनकी जो है आपके एक वो आपका है, जो पूरा बेसिकली ब्रह्म एजेंडा जो है है, उनका। मतलब आपका पूरा ब्राह्मण जो लोग थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाते थे, उनकी पूरी पॉलिटिक्स ही चलती थी। भारत के जो मूल बहुजन लोग हैं उनको कैसे मार दो, काट दो, पढ़ने ना दो, सारा कुकर्म जो है दिन रात यही पॉलिटिक्स खेलते रहते थे कि दूसरे के घर परिवार के साथ क्या कोई करना भी है। हो सकता है, कोई भी अरे पार्टी हो कोई नहीं हो सकती है। सकता ना। देखें, आप संस्कृत, भारत में संस्कृत कौन बोलता था? पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृत लाने का किसने क्लेम किया है बता दीजिए? हाँ संस्कृत में सूत्र ये कौन जो बनाता था, ग्रंथ कौन है, लिखता था? हाँ बोलिए। हाँ ये जो ग्रंथ है और ये जो श्लोक है, शंकर भाष्य भी है इसमें, ये बहुत मेरे ख्याल से इससे ज्यादा ऐसे श्लोक हैं जो एक वर्ग को टारगेट करते हैं, बेसिकली ये टारगेट कर रहे हैं सीधा सीधा, राइट। तो हाँ ये बिल्कुल राजनीतिक है, और शंकराचार्य भी राजनीतिक, जो इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन, संस्थागत धर्म होते हैं वो सारे पॉलिटिकल होते हैं, वो पॉलिटिकल फॉर्म होता है एक अच्छा अच्छा आध्यात्मिक। एक बार इसको आप पढ़ लेंगे, एक बार इसको पढ़ लीजिए ना, फिर आगे हाँ मैं बढ़ते हैं पढ़ ना। लेता इसको। हाँ जी, शूद्र को ना वेद सुनने का अधिकार है और ना पढ़ने का, ना उसके अर्थ समझने का अधिकार है और ना उसके अनुसार अनुष्ठान करने का। यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे सुन ले तो उसके उसके दोनों कानों में सीसा, हाँ ये वो सीसा पिघला के डाल देते हैं, लाख पिघला कर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, अतः उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए। वेद को सुनकर कंठस्थ करने कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत ज्यादा ही हिंसा पूर्वक अच्छा, ये हिंसा पूर्वक है। श्लोक अच्छा है। हाँ अजय जोशी, एक बात जी, बताइए कि भारत में कितने शूद्र जो है शंकराचार्य बन गए हैं मेरे को नहीं बताइए? लगता कोई बना है, मुझे नहीं लगता कोई नहीं बना बना है, है तो वो तो आपका शायद ये बनने भी नहीं देते श्लोक हैं है। वो अच्छा, शायद। नहीं बनने देते, पता है क्यों नहीं बनने देते हैं? क्योंकि ये श्लोक का पालन करते हैं ना आपके जो धर्म गुरु हैं, वो इसी श्लोक का हाँ, वो पालन लोग करते करते हैं। हैं, वो लोग वेद कर रहे हैं। का हाँ शंकराचार्य कर रहे हैं असल ब्राह्मण वो है ना, फिर असल ब्राह्मण वो है। चले, मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। एक वो मिनट, एक हाँ मिनट, एक और जी। चीज दिखाता हूँ। ये तो आपके धर्म ग्रंथ दिखाया मैंने, अब एक चीज दिखाता हूँ कि एक विदेशी व्यक्ति आया था भारत में, वो भी कुछ लिख के गया है आप ब्राह्मणों के बारे में। उसने भी ओके, कुछ नोटिस किया, हो सकता है कि आपके ग्रंथ तो राजनीति खेल रहे हैं। तो चलें, ये 12वां चैप्टर है इसका, यहाँ पे मैंने हाईलाइटेड किया है बीच में, ब्राह्मण क्षत्रियों को वेद पढ़ाते हैं। ये पढ़ देंगे आप क्या लिखा हुआ है यहाँ से बीच में, जो दूसरा पैराग्राफ है ये? ब्राह्मण 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 क्षत्रियो को वेद पढ़ाते हैं, क्षत्रिय वेद तो पढ़ते हैं पर उन्हें इससे किसी दूसरे को, यहाँ तक कि ब्राह्मण को भी पढ़ाने का अधिकार नहीं। वैश्य और शूद्रों को वेद का उच्चारण और पाठ करना तो दूर रहा, इससे सुनना भी, वैश्य सुन ओके सुनने की भी आज्ञा नहीं। यदि यह प्रमाणित हो जाए कि किसी वैश्य या शूद्र ने वेद का उच्चारण किया है तो ब्राह्मण लोग उसे पकड़कर न्यायाधीश के पास ले जा सकते हैं और उसकी जीभ काट दी जाती है। बताइए। अगेन इसमें इसमें अब देखें, ये तो आपकी किताब थी जो आप बोल रहे थे कि किसी ने लिख दिया होगा पॉलिटिकल, लेकिन ये तो कोई थर्ड बंदा था जो बाहर से आया था घूमने के लिए, उसने भी ये चीज नोटिस किया अपने किताब में, लिख के गया। ये किताब आज हम लोग देख रहे हैं, उसके नोट्स में ये बात। मतलब आप लोग जो हैं सिर्फ लिखते नहीं थे पॉलिटिकल एजेंडा, आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करते थे। लिखा है कि यदि यह प्रमाणित हो जाए कि वैश्य या शूद्र ने वेद का उच्चारण किया है तो ब्राह्मण लोग, और कोई नहीं आपके ब्राह्मण, आप कह रहे ना पक्का ब्राह्मण है, वो लिखता है, तो ब्राह्मण लोग उसे पकड़ कर न्यायाधीश के पास ले जाते थे और उसकी जीभ काट दी जाती थी। तो आज जो कह रहे हैं ना कि शंकराचार्य कोई शूद्र नहीं बन पाया, पानी आपने अछूत बना दिया था, इसका मतलब कि आप यही काम करते थे ना। ये विदेशी भी नोट करके गया है, तब तो भारत के तो लोग अशिक्षित थे। फर्स्ट पार्टी जब खुद ही कह रहा है तो थर्ड पार्टी की तो जरूरत ही नहीं रह जाती है ना, वो तो हाँ, हमने तो पहले ही यही देख बोल रहा लिया हूँ ना ग्रंथों कि ये आप में। जो कह रहे थे ना अजय जोशी, आप जो कह रहे थे ब्राह्मण का जो आप बता रहे थे, असल ब्राह्मण ये लोग थे।
जिन्होंने इस तरह के भारत के बहुजनों पे इस तरह के काम किया, और आप आके हम लोगों को कुंडली समझा रहे थे। हमारे पूर्वजों पर आपने इतने अत्याचार किए हैं, आज हमको कुंडला कुंडली समझाएंगे, जागृत जागृत करना, तो वो हम लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे ना। चलें फिर अजय जोशी, आप जो हैं ये सब काम आपके पुरखे करके गए हैं, आप आके हम लोगों को कुंडला कुंडली जो बता रहे हैं। कुंडला कुंडली तो उस समय किसी ब्राह्मण का नहीं जागृत हुआ था जब ये काम कर रहा था और अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बना रहा था तब।